बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए व्लॉग के साथ और एक नई सैर के साथ तो आज हम लेके जा रहे हैं जी आपको और बच्चों को एमीलैंड और साथ बेबीलैंड। बिल्कुल जी, आज हम जा रहे हैं जी बेबीलैंड पार्क और ये सुबह का टाइम है जी। बहुत अच्छा मौसम था और हम सोशल वर्कर के ऑफिस के उन्होंने हमें लेके जाना था और ये जी बच्चे बैठ गए हैं जी 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 गाड़ी में और बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे और ये साथ मैं बैठ गई थी बच्चों के साथ गाड़ी में और वहाँ हम पहुँच गए हैं। इतना रश था पार्क के बाहर, लेकिन हम लोग चूँकि सोशल वर्कर के साथ थे और उन्होंने हमें जो है वो प्रेफर किया और ये जल्दी से यहाँ पे जी हम लोगों ने टिकट्स बाय की। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इस पार्क की, आई डोंट नो कि फ्रांस के बाकी पार्क में क्या सिस्टम है, आई होप ऐसा ही होगा। और ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि आप लोगों ने बाहर ही एक दफ़ा पे करना है, चाहे वो 16 यूरो हो, 12, जितनी भी उनकी फ़ीस है वो आपने पे करना है और उसके बाद पार्क में जितने भी झूले हैं और जितना उसका टाइम है आप जब तक रहें जितने मर्जी झूले लें, सब जो है फ्री है। और पाकिस्तान में कि आप लोगों ने बाहर एंट्री फ़ीस भी देनी है और जब आप एंटर होते हैं जो जो आपने झूला लेना है उसकी भी पे करने पड़ती हैं सेपरेटली, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। और बिल्कुल मुझे नताशा की एक्साइटमेंट देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया कि जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे, स्कूल लेवल पे हम लोगों ने बहुत, जब भी मीना बाज़ार होता था तब और फिर इसके जितने जो हैं वो नाम चेंज होते गए, जब मीना बाज़ार होता था तो हम लोगों ने इतने झूले लेते थे और फिर जब शादी के बाद दो चार दफ़ा हम लोग बाहर गए तो मुझे उन्हीं राइड्स पे बैठते हुए बहुत डर लगता था, आई डोंट नो रीज़न क्या है। मज़े की बात कि एंटर होते ही सबसे पहले जी छोटे बच्चों के लिए उन्होंने एज रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ था कि ये झूला जो है इतनी एज के बच्चे ले सकते हैं और बच्चों के कद के हिसाब से भी वहाँ पे मेजरमेंट लिखी हुई थी सारी। और सबसे पहले जी फायर कर्मीज ने यहाँ पे झूले लिए 2-3 और ये देखें जी बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं और आलमोस्ट 1 ईयर हो गया है बच्चे जो हैं उनको मैं लेके बाहर नहीं निकली कहीं पार्क वगैरह में, म्यूज़ियम वगैरह में। तो अभी मौसम भी बड़ा अच्छा था और इस वीक में चूँकि हमारे 3 ट्रिप हो गए थे और इसमें हुरैन की बर्थडे भी थी, ईद भी थी और बच्चों के ट्रिप भी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वीक बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और उस दिन भी मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। और बहुत मज़े की बात ये थी कि वहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल जो एनिमल्स वगैरह रखे हुए थे उनको देख के एक बहुत प्लेजेंट सा फील हो रहा था और जितना भी अच्छा कैप्चर करने की कोशिश करें जो रियल में होता है वो कैप्चर नहीं हो सकता। हमें जो है वो इस मोटी आंटी को देख के बहुत हंसी आ रही थी, इतने मज़े से खड़ी थी। 32 यहाँ पे राइड्स ही बच्चों के लिए और डिफरेंट डिफरेंट एज के हिसाब से। और मज़ा तो मुझे तब आया कि जब यहाँ पे रमीज साहब को जो है ना वो गाड़ी चलाने का एक अपना ही मज़ा आ रहा था और बहुत बच्चे खुश थे और हालांकि वो ऑटोमेटिक थी लेकिन वो कहते थे मम्मा मैं बहुत ध्यान से चला रहा हूँ। तो मिताशा जो है वो मेरे साथ बहुत ज़िद कर रही थी कि मामा आप भी हमारे साथ जो है ना वो सारे जो झूले हैं वो भी आप हमारे साथ लें। और उसके बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे जो है वो मैं कश्ती वाला झूला लिया। और फिर मुझे पाकिस्तान में हम लोग किनारा गए और वहाँ पे जो कश्ती वाला झूला लिया उसमें तो इतना डर लगा, इतना डर, यहाँ पे जो है वो उस तरह से इतना तेज़ नहीं था। एनीवेज नताशा की जीत करने पे जो है वो मुझे उसके साथ साथ बच्चों को कंपनी देना पड़ी। और मज़े की बात ये थी हमारी सोशल वर्कर जो है वो बहुत अच्छी सी लड़की है और उसने मुझे कहा कि आप हुरैन को मुझे दे दो और आप बच्चों के साथ जो है वो इंजॉय करो, क्योंकि फिर ऐसे जो है रमीज़ अकेला झूला नहीं ले रहा था ना। तो बस बहुत अच्छा सा टाइम गुजरा, 4-5 घंटे हमने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया, दिन का खाना भी हमने वहाँ पे खाया। मामा ने सुबह हमारे लिए वहाँ पे खाना बनाने के, खाना लेके जाने के लिए सैंडविच बनाए थे, तो हमने दिन को वो सैंडविच खाए। जैसे हमने ये झूला लिया मतलब तब दिन का खाने का टाइम हो गया था, हमें भूख लग गई थी तो फिर हमने खाना खाया उस टाइम। वहाँ पे जगह बनी हुई थी मतलब सही टेबल कुर्सियाँ लगी हुई थी जहाँ पे आप आराम से बैठ के खाना एंजॉय कर सकते हैं।
ने वो किश्ती वाला झूला लिया हमारे साथ, और फिर हमने यहाँ पे एक और झूला लिया। इस झूले में हमें बहुत मज़ा आया। ये जो झूला है ये तेज़ तेज़ घूमता गया, पहले तो आहिस्ता लेकिन फिर तेज़ 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 घूमता गया, हमें बहुत मज़ा आया। बच्चों को लेके कहीं बाहर आउटिंग पे जाएं और उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो आप ख़ुद भी बहुत फ्रेश फील करते हैं। और यहाँ पे जी ये वाला जो राइड थी, मुझे इसमें तो देख के डर लग रहा था, लेकिन बच्चों ने कहा जी हमने ये राइड ज़रूर लेनी है। और बच्चों के चीखों की आवाज़ों से तो मुझे ख़ुद बहुत खौफ आ रहा था। और मज़े की बात ये थी कि ये राइड लेने के थोड़ी देर के बाद मुझे बच्चे कहते हैं जी हमने दोबारा से ये राइड लेनी है। तो फिर दोनों बच्चों ने जाके दोबारा से ये राइड ली। मैंने कहा आप लोग आए हैं तो इंजॉय करें। यहाँ बच्चों की ओरिजिनल जो आवाज़ें इनकी चीखों की आ रही थी वो भी सुनी और इंजॉय करें। मामा जो थी, मामा ने कहा, हमने मामा को बहुत फोर्स किया कि आप भी हमारे साथ ये झूला लो, लेकिन मामा कहती है नहीं मुझे नहीं लेना। मामा को डर लग रहा था। दाशा डरना नहीं है, डरना नहीं है। यहाँ पे छोटा सा स्पेसिफिक सा उन्होंने एरिया बनाया हुआ था। और यहाँ पे जो राइड थी वो हार्ट्स की थी और वो भी बच्चों ने इंजॉय की। और फिर रमीज के साथ वो मैंने भी इंजॉय किया उसको। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, और जब बच्चे आप ही खुश हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। यहाँ पे 32 झूले थे, लेकिन हमने वो सब नहीं लिए, उसमें से कुछ लिए और कुछ नहीं लिए। घोड़े वाले झूले के बाद हमने यहाँ पे ली एक स्लाइड। ये बहुत ऊंची थी, मामा को तो मामा कहती है मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मामा को डर लग रहा था। और मैंने और फाइक और रमीज ने ये स्लाइड ली। यहाँ पे जो है वो ये जितना एक जिराफ है, इसके अंदर एक जगह सी बनी थी जहाँ पे बच्चे खेल सकते थे। फिर रमीज फाइक ने यहाँ पे खेला, ये भी उसी तरह का एक जगह थी, यहाँ पे भी उन्होंने खेला। इस तरह की उन्होंने पार्क में 3-4 लगाई हुई थी सके खेलने के लिए, जिसमें आप कूद सकते हैं, ट्रैम्पोलिन, स्लाइड। यहाँ भी आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नहीं हैं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।